हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास ट्वेल्थ। आज क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की फोर्थ एक्सरसाइज 1.4। लास्ट एक्सरसाइज है ये फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सब बच्चों ने वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना है, और इस ऑपरेशंस में बाइनरी ऑपरेशंस को हम कैसे डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बड़े अच्छे प्रकार से समझना है और इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन का जो बेसिक मीनिंग है, पहले हम सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होते क्या है। बाइनरी का मतलब जो होता है, जो हमारा वर्ड है ये बाइनरी, इसका बेसिक मीनिंग है टू, कि जब भी दो ऑपरेशन एक साथ लगते हैं या दो नंबर्स में एक कोई चीज अप्लाई करते हैं उसको बाइनरी बोलते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपको दो नंबर्स को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये फोर बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन आपने पढ़े हुए हैं। मान लीजिए अब आपने तीन नंबर को प्लस करना है, ए बी सी, इन तीनों को प्लस करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया, तो आपको पहले कोई ना कोई दो ही नंबर ऐड करने पड़ेंगे। या तो आप ए प्लस बी को ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें प्लस सी करेंगे, या आप इस तरह से करेंगे कि भाई ए प्लस सी को पहले ऐड कर लेते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें प्लस बी करेंगे। यानी आप तीन में से पहले दो को ऐड करेंगे, फिर तीसरा उसमें जो आंसर आएगा उसमें ऐड करेंगे। तो एक बार में आप दो नंबर पर ऑपरेशन लगा सकते हैं, इसलिए इनको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। फंक्शंस के अंदर बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए, ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार से डिनोट करेंगे हम इसको, ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है, इसका मतलब जो इसके एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। कैसे? ए बी की फॉर्म में, स्टार ए बी, ये हमने लिख दिया बाइनरी ऑपरेशन। स्टार ए क्रॉस ए कहां से कहां तक डिफाइंड है फंक्शन? ए क्रॉस ए से सेट ए तक डिफाइंड है फंक्शन। तो स्टार ए बी अगर कोई अपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो उसकी नोटेशन इस प्रकार से लिखेंगे आप, ये उसकी नोटेशन है। और नोटेशन को आप, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जो ऑपरेशन स्टार लगा है ये कुछ भी हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, या कुछ और भी नंबर हो सकता है, वो इन दो नंबर्स के बीच में अप्लाई होगा, ए और बी के। तो इसका मतलब है ए स्टार बी। तो स्टार ए बी का मतलब ए स्टार बी है, कि जो भी ऑपरेशन हमें गिवन होगा वो इन दो नंबर्स ए और बी के बीच में अप्लाई होगा। अब देखिए, हमने जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन लिख ली है, बता भी दिया आपको कि जो दो नंबर्स ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगेगा वो ए स्टार बी की फॉर्म में लगेगा। अब हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन के अंडर कौन कौन से प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम अप्लाई करेंगे वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि बाइनरी ऑपरेशन जब हम चेक करेंगे किसी भी सेट एक्स के लिए, कि ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के इक्वल है, यानी दोनों से रिजल्ट सेम मिल रहा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एनी सेट एक्स, देन वी से दैट द गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। यानी कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अगर हमें कम्यूटेटिव प्रूव करना है तो सबसे पहले ये उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि जिन दो नंबर्स के बीच में हम वो ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं उनके लिए ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए आना चाहिए। ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम चेक करने जा रहे हैं वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी एसोसिएटिविटी भी चेक करनी है आपको बाइनरी ऑपरेशंस के लिए। एसोसिएटिविटी अब तीन नंबर्स के लिए आएगी, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू एस एक्स, कोई भी सेट है उस सेट एक्स पे हमने ये तीन नंबर ले लिए। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं कि गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव भी है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट एक्स। यानी पहले ए और बी में ऑपरेशन अप्लाई करना है, जो भी ऑपरेशन गिवन है बाइनरी ऑपरेशन, जो रिजल्ट मिलेगा उसको सी के साथ अप्लाई करना है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। ये रिजल्ट अगर हम
उसी ऑपरेशन में लगाएं फिर से, तो पहले अगर बी और सी में लगाएं और फिर रिजल्ट को ए के साथ अप्लाई करें तब भी रिजल्ट सेम आए। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, कम्यूटेटिव और एडिशन प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए। जैसे आप लिखते थे कि 2+3 इज इक्वल टू 3+2, हम कह देते हैं दोनों से रिजल्ट सेम आया 5, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर तीन नंबर ले लें 2+3+4, तो पहले इनको ऐड करेंगे और वो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आता है अगर हम इनमें पहले अप्लाई करते, 3+4 को पहले ऐड करें, 2 को बाद में ऐड करें। तो ये नंबर्स के लिए आपने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, बिल्कुल सेम स्टेप्स यही बाइनरी ऑपरेशन में भी लगते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। देखिए हमने बाइनरी ऑपरेशन आपको बता दिया, उसकी दो प्रॉपर्टीज भी बताई थी। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में हमने आपको बताया कि जब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए अगर हो जाए कोई भी बाइनरी ऑपरेशन तो वो कम्यूटेटिव हो जाता है। उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देखिए, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, आपने ध्यान से देखनी है। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स, कोई भी सेट एक्स डिफाइंड है, इज कॉल्ड कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स। दूसरी प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन एलिमेंट्स के लिए लगेगी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स। इसके साथ साथ एक थर्ड प्रॉपर्टी भी आ रही है, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है हर बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे। क्या मीनिंग है देखिए, फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए ऑर्डर्ड वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, सेट ए तक डिफाइंड है, तो इसके लिए एन एलिमेंट ई, ई जो है वो सिंबल रहेगा हमारा आइडेंटिटी के लिए पूरे प्रॉपर बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक के लिए। इसको बॉक्स में डाल देते हैं, ये जो स्मॉल ई है दिस इज अ सिंबल फॉर आइडेंटिटी, याद रखना है ई बिलोंग्स टू ए इफ इट एग्जिस्ट। इफ इट एग्जिस्ट मतलब जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में एग्जिस्ट करे, पर ये एग्जिस्ट करना जरूरी है। इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट इफ, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यानी हम किसी भी एलिमेंट का उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जब ऑपरेशन लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन जो स्टेटमेंट में डिफाइंड होगा, तो जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली सेम वही एलिमेंट ए के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से इनवर्स आएगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, कैसे, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, मतलब आइडेंटिटी जिस एग्जिस्ट का एलिमेंट होगा, जिस भी सेट के लिए, जिस भी सेट के डिफाइंड के लिए प्रॉपर बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रखना इनवर्स भी उसी का आएगा। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए स्टार बी, यानी कोई एलिमेंट बी हमने ले लिया है, उस एलिमेंट बी का अगर मैं ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं तो जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए, या आप ऐसे कहें कि बी का ऑपरेशन एलिमेंट ए के साथ लगाया जाए तब भी जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी के इक्वल आया जाए। यानी किसी भी एलिमेंट के साथ जब मैं वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूं तो रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आए, देन वी से दैट, देन वी से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तब जो एलिमेंट बी है वो ए का इनवर्स बन जाएगा, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, और कंडीशन वही है पहले कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसका एग्जिस्ट करना चाहिए। देखिए अब सीवी इन सभी ऑपरेशंस को हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनमें अप्लाई करके दिखाएंगे आपको, एक्सप्लेनेशन देंगे कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, लिखा है फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार, जो ऑपरेशन स्टार हमें दे रखा है, इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। हमें चेक करना है कि जैसे कोई ऑपरेशन दिया हुआ है ऑन जेड, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स, यानी हम इंटीजर्स की बात करेंगे, सिर्फ जेड लिखा है मतलब इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी आ सकते हैं। ऑन जेड इंटीजर्स एक एक सेट है, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया गया है, किस रूल के हिसाब से, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हमें चेक करना है सबसे पहले कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव ऑपरेशन देखिए कैसे चेक करते हैं, कम्यूटेटिव हमने आपको बताया था फॉर
ए बी बिलोंग्स टू, अब हम यहां जेड ले लेंगे, इफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो जो हमारा ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव हो जाता है। तो अब हम बात करनी है इंटीजर्स की, तो लेट कर लेंगे, लेट वन एंड टू दो इंटीजर ले लेते हैं, बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर हो गए कोई भी है, तो ऑपरेशन लगाते देखिए, ए स्टार बी क्या आएगा, ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, यानी वन स्टार टू अगर मैं लिखूं तो वो लिखा जाएगा वन माइनस टू, किसके इक्वल आएगा माइनस वन के। अब यही ऑपरेशन सेम बी स्टार ए के लिए लगाते हैं, यानी अब बी के प्लेस पे टू लिखना है और ए के प्लेस पे वन। यहां आप प्रॉपरली और थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू टू, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए कि हम बी के प्लेस पे टू लिख रहे हैं, ए के प्लेस पे वन लिख रहे हैं। तो अब हमने ऑपरेशन वही लिखना है, वन ए माइनस बी, यानी टू माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो देखिए हमने लगा दिया टू माइनस वन इक्वल टू वन। अब क्या ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल आए, देखिए ए स्टार बी की वैल्यू आई है माइनस वन और बी स्टार ए की वैल्यू आई है वन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो इसका मतलब देयरफॉर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी ये जो ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया। दूसरी जो चीज चेक करनी है हमें वो है एसोसिएटिविटी, यानी एसोसिएटिव चेक करना है कि गिवन बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं। वो तीन नंबर्स के लिए चेक होगा, ए बी सी ले लेते हैं आप, तीन बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं और कंडीशन आपको पता है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी आना चाहिए। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू वन, बी टू और सी थ्री, तीन इंटीजर ले लिए सिंपल से। तो पहला ऑपरेशन ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, देखिए ए स्टार बी स्टार सी में हमने अप्लाई करना है, ए के प्लेस पे वन लिख दिया मैंने, बी के प्लेस पे टू और सी के प्लेस पे थ्री। तो सबसे पहले वन स्टार टू लगेगा, यानी वन माइनस टू और स्टार थ्री लिख लेते हैं, वन माइनस टू का मतलब माइनस वन स्टार थ्री। अब माइनस वन और थ्री के बीच में फिर से वही लगाना, तो क्या ऑपरेशन था, माइनस वन माइनस थ्री यानी माइनस फोर, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस फोर। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की, यानी आरएचएस की, देखिए जो राइट हैंड साइड है आरएचएस वो है ए स्टार बी स्टार सी के लिए, यहां पर ए वन है, बी टू हमने लिया था और सी थ्री, वैल्यूज पुट कर देते हैं, वन स्टार टू स्टार थ्री, यहां ब्रैकेट लगी हुई है। तो सबसे पहले ऑपरेशन वन स्टार, यहां टू स्टार थ्री में लगेगा, यानी टू माइनस थ्री, फिर वन स्टार टू माइनस थ्री का रिजल्ट क्या आएगा माइनस वन। अब इन दोनों में ऑपरेशन लगेगा, यानी वन माइनस माइनस वन और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, वन प्लस वन कितना आया टू। तो देखिए जो एल एच एस थी हमारी ए स्टार बी स्टार सी उसकी वैल्यू आई माइनस फोर, और जो आर एच एस है ए स्टार बी स्टार सी उसकी वैल्यू आई टू, मतलब दोनों सेम नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर द गिवन ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, यानी अगर ये दोनों इक्वल आते तब एसोसिएटिव होता, लेकिन नहीं आए तो एसोसिएटिव नहीं है। इसका मतलब जो मैं फर्स्ट पार्ट में ऑपरेशन गिवन था वो ना तो कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। देखिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज चेक करने के बाद थर्ड क्वेश्चन में हम एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, ये सिंबल है एंड का सिंबल होता है, ऑन द सेट 1 2 3 4 5, एक सेट डिफाइंड है जिसके अंदर पांच एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, और जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया ए और बी के बीच में वो ये है कि हमें हर बार ए और बी में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो भी दो नंबर ए और बी हम इस सेट में से कंसीडर करेंगे, उनमें से जो कम होगा छोटा होगा मिनिमम होगा ए बी, वो लिखना है। अब हमें ये कहा गया राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर दिस ऑपरेशन, इसके लिए अब हमें टेबल बनानी है, तो हम टेबल बनाना सीखेंगे। देखिए टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपने रोज और कॉलम्स की एक वो बनानी है, यहां पर टेबल, उसमें क्या होगा, यहां पर आप ऑपरेशन का सिंबल लगाएंगे जो ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है, और
अब हम लिखेंगे एलिमेंट्स कि पहले एलिमेंट कितने एलिमेंट है सेट के अंदर, वन, फिर है टू, फिर आएगा थ्री, फिर फोर और फिर फाइव। ये पांच एलिमेंट हमें गिवन है, तो पांच ही कॉलम बनेंगे इसके अंदर। और इसी तरह से यही आपने कॉलम में भी लिखने हैं पांचों एलिमेंट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, हमने ये टेबल बना ली। अब हमने ऑपरेशन लगाना है, जो हमें टेबल जो कंप्लीट करनी है वो गिवन ऑपरेशन है कि ए और बी, ये हमारा एलिमेंट जो है कॉलम के अंदर जो रहेंगे ये ए रहेंगे और जो रो के अंदर रहेंगे ये बी रहेंगे। ये ए मैंने लूंगा और इसको एलिमेंट बी कंसिडर कर लूंगा। तो ए और बी में जब ऑपरेशन लगेगा ये वाला, तो इसका मतलब है हमने इन दोनों की मिनिमम वैल्यू लिखनी है जो कम होगी दोनों में से। तो वन और वन में जो लगेगा, तो वन और वन में जो सबसे कम वैल्यू है वो क्या है, वन, क्योंकि वन और वन दोनों बराबर है। वन और टू में कौन सी है कम वैल्यू दोनों में से, एक और दो में से, वन, तो यहां भी वन लिखा जाएगा। फिर इसी वन को हम थ्री के साथ लगाएंगे, वन और ऑपरेशन थ्री के साथ लगा रहे हैं, तो वन और थ्री में से जो कम वैल्यू है वो भी वन है। वन और फोर में से जो वैल्यू कम है वो भी वन है। और फिर लास्ट वन और फाइव में से जो कम वैल्यू है वो भी वन है। तो मिनिमम वैल्यू हमने लिखनी थी, तो वन जो है वो इन सबसे कम है, तो वन तो वन के इक्वली होते, तो यहां वन लिखा और इन सबसे कम है तो सब में वन आ गया। तो वन के साथ तो ऑपरेशन पूरा हो गया बाकी एलिमेंट्स का। अब बात करेंगे टू की। टू का ऑपरेशन पहले इस वन के साथ लगेगा, टू और वन दोनों में से कम कौन सा है, एक। फिर टू और टू में से दोनों में से कम कौन सा, दोनों बराबर है तो टू ही रहेगा। फिर टू और थ्री में से कौन सा कम है, टू। फिर टू और फोर दोनों में से कौन सा कम है, टू। फिर टू और फाइव में से कौन सा कम है, टू। कम का मतलब मिनिमम, क्यों ले रहे हैं मिनिमम, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि इस ऑपरेशन का मतलब है ए और बी में से जो कम वैल्यू है वो लिखनी है। अब बात करेंगे थ्री के साथ, तो देखिए थ्री और वन में से कम वैल्यू कौन सी है, वन। थ्री और टू में से कम वैल्यू कौन सी है, टू। फिर थ्री का थ्री के साथ लगाएंगे ऑपरेशन, तो थ्री और थ्री में से कौन सी कम वैल्यू है, थ्री आएगी क्योंकि दोनों बराबर है। थ्री और फोर में से कौन सी कम वैल्यू है, थ्री। फिर बात करेंगे थ्री और फाइव में से कौन सी कम वैल्यू है, वो भी थ्री। अब अगले ही रो में चलेंगे, तो हम फोर के साथ लगाएंगे ऑपरेशन, यही एलिमेंट। फोर और वन में कौन सा एलिमेंट कम है, वन। फोर और टू में कौन सा नंबर कम है, टू। फोर और थ्री में कौन सा नंबर कम है, थ्री। फोर और फोर में से कौन सा कम है, दोनों बराबर है तो फोर ही आ जाएगा। और लास्ट एलिमेंट फोर को फाइव के साथ जब ऑपरेशन लगाएंगे, तो फोर और फाइव में जो नंबर कम है वो है फोर। अब बात करेंगे लास्ट रो की। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो एलिमेंट हम लिख रहे हैं वो दोनों में से जो कम वैल्यू है वो लिखने हैं। लास्ट एलिमेंट फाइव है, उसका इन सभी के साथ ऑपरेशन लगाना है। पहले फाइव का वन के साथ जो कम वैल्यू है दोनों में से वो लिखी जाएगी, वन। फिर फाइव और टू में से जो कम वैल्यू है, टू। फिर फाइव और थ्री में से जो कम वैल्यू है, थ्री। फिर फाइव और फोर में से जो कम वैल्यू है, फोर। और फिर फाइव और फाइव में से जो कम वैल्यू है, दोनों बराबर है तो फाइव ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो टेबल बनेगी ये कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन टेबल। मैं लिख देता हूं यहां पर, इस टेबल को बोलते हैं ऑपरेशन टेबल। कुछ क्वेश्चंस में हमें ये गिवन होती है, कुछ क्वेश्चंस में हमें जब बनाने के लिए कहा जाता है। तो अब आपने ये अच्छे तरह से सीख लिया है कि ऑपरेशन टेबल अगर गिवन नहीं है स्टेटमेंट में, तो कैसे आपने ऑपरेशन लगा के उसको बनाना है। देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 का हम सिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए। लिखा है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन। नेचुरल नंबर की बात करनी है आप, सिर्फ उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है। और क्या डिफाइन किया है, कि ए और बी के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू, उसका मीनिंग है कि हमें ए और बी का एलसीएम लेना है, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। और इसके पांच डिफरेंट पार्ट्स हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में लिखा है, फाइंड 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16। तो देखिए, 5 स्टार 7 हमें निकालना है, और स्टेटमेंट में क्या मेंशन है कि ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम लेना है हमें। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 आपको कैलकुलेट करना है। और 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 35। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी में हमें कहा गया 20 स्टार 16 भी कैलकुलेट करना है,
यानी आपको अब एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 भी निकालना, और 20 और 16 का एलसीएम आपको निकालना आता है। सभी बच्चों को एक बार फिर से कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। देखिए 20 और 16 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2 10 जा 20 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 5 10, 2 6 8, फिर 5 से 1 4 और फिर 4 से 1 1, तो इन सबको गुना करते हैं, 2 2 4 5 20 चौका 80। तो 20 और 16 का जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 80 आपका, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर दिया बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी के लिए। अब सेकंड पार्ट जो है उसमें कहा जा रहा है कि हमें चेक करना है इज स्टार कम्यूटेटिव, कि क्या जो बाइनरी ऑपरेशन हमें दे रखा है वो कम्यूटेटिव है या नहीं। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन दे क्या रखा है। बाइनरी ऑपरेशन हमें दे रखा है ए स्टार बी का, जो मतलब है वो क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो अब देखिए एलसीएम अगर हम ए स्टार बी की बात करें तो क्या मीनिंग आएगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और अगर हम बी स्टार ए की बात करें तो उसका मीनिंग क्या रहेगा, एलसीएम ऑफ बी एंड ए। अब आपको पता है दो नंबर्स हैं, दो नेचुरल नंबर हैं, उनका एलसीएम ए पहले लिखें बी बाद में लिखें या बी पहले लिखें ए बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी और एलसीएम ऑफ बी एंड ए एक ही बात है, मतलब दोनों सेम है। तो देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर द गिवन ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ऑपरेशन हमें दे रखा है स्टार ऑपरेशन स्टेटमेंट में नेचुरल नंबर के सेट पे वो कम्यूटेटिव तो है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है चेक करना है कि इज स्टार एसोसिएटिव, कि एसोसिएटिव चेक करना है कि वो एसोसिएटिव है या नहीं। एसोसिएटिव का मतलब होता है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेने हैं हमें। तो हमें चेक करना कि क्या ये दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। देखिए तो पहले एलएचएस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख लिया ए स्टार बी स्टार सी, तीन नेचुरल नंबर है कोई भी। ए स्टार बी का मतलब क्या है, इसका मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और जो भी एलसीएम ए और बी का निकलेगा उसको हमने ऑपरेशन सी के साथ लगाना है। मतलब जो भी एलसीएम ए और बी का निकलेगा वो भी एक नंबर ही होगा नेचुरल नंबर, क्योंकि दो नेचुरल नंबर का एलसीएम एक नेचुरल नंबर ही आएगा। उस नेचुरल नंबर का एलसीएम तीसरे नंबर सी के साथ निकालना है, तो विच इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, वो तीनों का एलसीएम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप दो पहले दो का निकालो फिर तीसरे से निकालो या तीनों का एक साथ निकालो, बात तो एक ही है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आरएचएस की अगर बात करें ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या आएगा, देखिए पहले इस ब्रैकेट के लिए लिखेंगे बी स्टार सी का मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ बी एंड सी, और उसका जो एलसीएम आएगा वो ए के साथ देना, तो वो क्या बन जाएगा, एलसीएम ऑफ अगेन ए बी एंड सी। तो तीनों दोनों ही कंडीशंस में हमें तीनों नंबर्स ए बी सी का एलसीएम निकालना है, किसी भी ऑर्डर में निकाल सकते हैं आप, कोई भी नेचुरल नंबर लेके एग्जाम्पल लेके भी कंसिडर कर सकते हैं, दोनों हमेशा सेम आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर द गिवन ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव, यानी ये एक एसोसिएटिव ऑपरेशन भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए सिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ए स्टार बी ऑपरेशन गिवन था ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करके दिखाया आपको, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 वो 35 आया था, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 वो 80 आया था। फिर दूसरे पार्ट में हमने चेक किया था कि स्टार कम्यूटेटिव है, तीसरे पार्ट में हमने चेक किया वो एसोसिएटिव है। अब फोर्थ पार्ट चेक कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट में लिखा है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो लेट कर लेते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इन नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है वो ई के इक्वल हमने मान लिया जो भी उसकी वैल्यू आएगी,
अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इफ इट एग्जिस्ट हमने बताया था आपको, तो कंडीशन क्या थी कि इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, अगर कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है उसका हम ऑपरेशन जो दे रखा है स्टेटमेंट में वो किसी भी नेचुरल नंबर के साथ लगाएं तो वो रिजल्ट सेम उसी नंबर के इक्वल आना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर कंसिडर कर लें आप, फॉर एनी नेचुरल नंबर ए बिलोंग्स टू एन, एलसीएम विद वन इज द सेम एलिमेंट ए, मतलब ए स्टार वन लिखे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ ए एंड वन किसके इक्वल आएगा, ए के। और अगर वन स्टार ए लिखूं तो उसका मतलब क्या होगा, एलसीएम ऑफ वन एंड ए। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वन के साथ एलसीएम ले रहे हैं तो सेम रिजल्ट भाई ए के इक्वल ही आने वाला है हर बार, तो देयरफॉर जो आइडेंटिटी की वैल्यू होगी वो वन के इक्वल होगी। तो इसका मतलब देखो देयरफॉर ई इक्वल टू वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी जो हमारा वन की वन आया है, ई की वैल्यू वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर the set of natural numbers n on operation star, find the operation star के लिए जो वन है that is the only identity element। अब बात करेंगे fifth part की, जो इसका last part है जिसमें हमें कहा गया है fifth में, which elements of n are invertible for the operation star, invertible यानी inverse check करना है हमें, inverse check करना है, तो let कर लेते हैं। देखिए लेट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन सच दैट, ये इनवर्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं, वो क्या थी होनी चाहिए कि ए और बी में अगर आप ऑपरेशन लगाएं वो आइडेंटिटी के इक्वल आए, या बी और ए में लगाएं तब भी आइडेंटिटी के इक्वल आए। अब हमने प्रूव किया है फोर्थ पार्ट में, वी नो दैट कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, वन, कि वन आइडेंटिटी था नेचुरल नंबर के लिए, तो वन के लिए अब कौन सा ऐसा एलिमेंट ले दूसरा जिसका हम ए के साथ ऑपरेशन लगाएं यानी एलसीएम निकालें तो रिजल्ट वन के इक्वल आए, तो वो क्या होगा, विच इज पॉसिबल। तो देखिए पहले लिख देते हैं हम, देयरफॉर हम चाहते हैं कि ए स्टार बी जो है यानी एलसीएम ऑफ ए एंड बी should be क्या होना चाहिए, equal to वन, and b star a में अगर operation लगाएं यानी एलसीएम ऑफ b एंड a लगाएं that should be again equal to वन, क्योंकि identity के equal होना चाहिए और identity वन है हमारे पास यहां, तो इसका मतलब a और b का एलसीएम जो है वो वन आना चाहिए, और वन कब आएगा, which is possible, आप लिख देंगे यहां पर which is possible only when both a and b are equal to वन, क्योंकि दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, यानी नेचुरल नंबर जब a और b दोनों ही वन के इक्वल होंगे तो उनका एलसीएम वन के इक्वल आएगा, यानी वन स्टार वन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ वन एंड वन इज इक्वल टू वन, देयरफॉर वन इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट, वन इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट, इन्वर्टिबल एलिमेंट कहा गया था ना निकाल के दिखाओ, तो इसका मतलब हमने निकाल दिया वन इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन एन ओवर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, सिर्फ वन ही ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा गिवन ऑपरेशन स्टार के अंडर ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का, ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं, लिखा है फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन नेचुरल नंबर्स को, कि नेचुरल नंबर्स के ऊपर आपको एक ऑपरेशन डिफाइन करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब हमें कोई भी नेचुरल नंबर मान लें ए की वैल्यू वो सेम होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा ऑपरेशन हमें खुद डिफाइन करना है, तो आप लिख लेते हैं लेट अस डिफाइन एन ऑपरेशन स्टार such that
ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। हमने एक ऑपरेशन डिफाइन कर लिया एडिशन के अंडर कि हमें पता है कि जब भी कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे तो जो उनका रिजल्ट होगा ए प्लस बी वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। अब हमारी कंडीशन है कि हमें दोनों नंबर सेम लेने हैं, मतलब ए और बी की वैल्यू सेम लेनी है। तो अगर मैं लूँ, मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू मान लीजिए 5 ले लेते हैं, तो बी भी 5 लेना पड़ेगा, यानी ए और बी दोनों 5 ले लिए। तो ऑपरेशन जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि 5 स्टार 5 अगर इसमें अप्लाई करूँ तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 5 प्लस 5 कितना आया 10, और स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है 5 स्टार 5 क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग वो 5 आना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया, बट 10 इज नॉट इक्वल टू 5, यहां से पहला रिजल्ट 10 आया जो हमने डिफाइन किया, जो स्टेटमेंट में दे रखा वो 5 आया, तो दोनों जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। मतलब जो ये ऐसा ऑपरेशन इन्होंने बताया कि ए स्टार ए इक्वल टू ए, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता एडिशन के अंदर नेचुरल नंबर्स में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगी, हमने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता दी है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड ऑपरेशन में हमें ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए प्रूव करने के लिए कहा गया, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, गिवन दैट कि जो ऑपरेशन है वो इज कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव आना चाहिए, कम्यूटेटिव है ये हमें ऑलरेडी गिवन है, स्टेटमेंट में बता रखा है पहले से। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले आरएचएस से शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं सी स्टार बी स्टार ए के इक्वल। अब सी और बी में अगर मैं कम्यूटेटिव ऑपरेशन लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएंगे, इनकी जगह बदल जाएगी, यानी ये बन जाएगा बी स्टार सी स्टार ए। यहां रीजन मेंशन कर सकते हैं बिकॉज स्टार इज कम्यूटेटिव, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है इसलिए हमने ऐसा कर दिया या हम ऐसा कर सकते हैं। अब यही कम्यूटेटिव ऑपरेशन अगर मैं इस पूरे एलिमेंट बी स्टार सी और ए के अंदर लगाऊं तो इनकी जगह इंटरचेंज हो सकती है, ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये बनेगा ए स्टार, ये पूरी ब्रैकेट उधर चली जाएगी राइट साइड में, बी स्टार सी। फिर से ऑपरेशन सेम रिजल्ट दे सकते हैं बिकॉज स्टार इज कम्यूटेटिव, क्योंकि जगह तभी बदल सकते हैं अगर वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो। तो ये ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आ गया, और ये क्या है, LHS के इक्वल है, तो ये हमारी LHS थी। तो इसका मतलब RHS से हमने शुरू किया और LHS के इक्वल प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, वो बिल्कुल सही है, ट्रू है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही फॉल्स था, सेकंड पार्ट ट्रू है। तो देखा बच्चों आपने, ये थी एक्सरसाइज 1.4 जो कि बेस्ड थी बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर। इसी के साथ आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अगले वीडियो में हम आपका सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।